बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। तंदूर की रोटियों में थूक लगाने वाला दूषित मानसिकता का जिहादी आज आखिर पुलिस के पकड़ में आ ही गया। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 10-15 सालों से वह शादी समारोह में इसी तरह दूषित रोटियां मेहमानों को खिला रहा था। उसके इस स्वीकारनामे ने उन लोगों के पेट में हलचल मचा दी है जिन्होंने पिछले 10-15 सालों में शादी विवाह में उसके हाथों या फिर यह कहें कि उसके थूक से बनी रोटियां का स्वाद लिया है। हालांकि मेडिकल थाने में उसने यह भी कहा कि वह रोटियों पर थूक नहीं लगा रहा था, रोटियां बनाते हुए इतना झुकना ही पड़ता है जिसे यह मान लिया गया कि वह रोटियों पर थूक लगा रहा है। आइए पहले देखते हैं वह वीडियो जिसमें यह युवक रोटियां बनाते हुए थूक रहा है। यह वीडियो मेरठ गढ़ रोड स्थित वैंक्वेट हॉल अरोमा गार्डन का है। बीते दिवस इस वीडियो के वायरल होने पर हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने मेडिकल थाने पर तहरीर दी थी। आज अधिवक्ता यशोदा यादव ने रोटियों पर थूक लगाने वाले युवक का पता लगाया और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गंभीर बात यह भी है कि इस युवक को वायरल वीडियो की पूरी जानकारी थी। फर्स्ट बाइट से बातचीत करते हुए अधिवक्ता यशोदा यादव ने यह जानकारी दी। मैं यहां कल भी आई हुई थी एक मैटर में, तो कुछ हिंदू जागरण के अपने FIR करा के निकल रहे थे। तो मैंने पूछा क्या मैटर हो गया, वो बोले एक रोटी बना रहा था, मुस्लिम युवक था और वो थूक लगा रहा था, तो दीदी उसकी हमने FIR कराई है। मैंने कहा ठीक है, मैंने भी वो वीडियो देखी, मुझे बहुत बुरा लगा, अपने हिंदू धर्म की उसमें वो करी जा रही है तो उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने भी प्रयास करा, मैंने भी कुछ लोगों को पूछा कि भाई खाना कौन कौन मुस्लिम लोग तंदूर लगाते हैं, क्योंकि वो तंदूर की रोटी लगा रहा था, तो मेरे भी कुछ लोग नॉलेज में आए, मुझे पता लगा। तो मैंने एक से कहा कि ठीक है, कहो कि एक प्रोग्राम कराना है और उसमें हम तुम लोगों से हमसे बात करेंगे, उनसे उन्हें बुला लो, हम उन्हें भी देखना चाहेंगे जो तंदूर की रोटी बनाते हैं कैसी बनाते हैं, बात कर लेंगे। बस मैं कचहरी से फ्री होते समय उन्होंने फ़ोन करा, दीदी आप TVS के पीछे आ जाओ। मैं TVS के पीछे आई, ब्लॉक है वहाँ आई, जैसे ही तो ये लोग बैठे हुए थे और जैसे ही मैंने इसको पूछा कि भाई कल वीडियो में तुम ही खाना बना रहे थे, वो तुम ही थे, ये बोला हाँ मैं ही था। तो जैसे ही वहाँ से भागने लगा और मैंने इसको फिर मारा, थप्पड़ मारे इसके एक दो, और जब हम इतने पुलिस बुला ली मैंने, श्याम सिंह जी दरोगा जी हैं मेडिकल थाने के, क्योंकि यहाँ FIR हुई भी थी, मैंने उनको बुलाया कि आप यहाँ आ जाओ, इसे मौके से उठा लिया गया, हम इसे यहाँ मेडिकल थाने ले आए हैं। मैंने दिखाया एक को कि ये वही लड़का है, बोला हाँ जी ये वही लड़का है जो तंदूर पर रोटी बनाता है। तो ये कहाँ का है, ये समर गार्डन का, इसने अपना नाम सुहेल बताया, एक अपना नाम नौशाद बता रहा है और ये समर गार्डन का रहने वाला है, और जो इसका ठेकेदार है शकील वो उज्ज्वला कॉलोनी का है, फतेल्लापुर, वो वहाँ का है। दीदी आखिर इसका थूक लगा के रोटी बनाने का मकसद क्या था? अब ये मकसद है? ये अपने हिंदू धर्म की शादी है, अब इनकी मानसिकता है जिहादी, लोगों का अपना ये जो काम है इनका, भाई मुस्लिम धर्म के हैं, इनके दिमाग में ये बसा हुआ है कि इनको ऐसी रोटी खिलाई जाए, तो ये धर्म के प्रति तो इनकी गंदगी फैला रहे हैं। और ये नहीं समझते कि जिन भाइयों के साथ हम उठते बैठते हैं खाते पीते हैं उन लोगों को कितना बुरा लगेगा। हिंदू जागरण मंच के महानगर अध्यक्ष सचिन सिरोही भी मेडिकल थाने पहुंच गए थे। फर्स्ट बाइट को सचिन सिरोही ने यह जानकारी दी। सचिन सिरोही महानगर अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच मेरठ। सचिन जी आज आप मेडिकल थाना है, किस लिए आए, क्या पूरा मामला है? देखिए मैं आज नहीं, मैं कल भी मेडिकल थाने आया था, 1:30 बजे ये वीडियो वायरल हुई थी
मेरे पास कल 1:30 बजे वीडियो आई थी, इसमें एक व्यक्ति जो है, मोमन नाम है व्यक्ति का, अब तो नौशाद, पहले उस पर सुहेल आ रहा था, तो नौशाद नाम है इसका, और ये आपका इधर श्याम नगर की तरफ, ये लिसाड़ी गेट की तरफ इधर का रहने वाला है। इसने, इसी लड़के ने जो है कल तंदूर की रोटियों पर वीडियो वायरल हुई, इसमें थूक के जो है रोटियां लगा रहा था। अरोमा गार्डन का विषय है, और अरोमा गार्डन के जो मालिक है रमन जी, उनसे मेरी कल बात हुई 3 बजे, उनसे जो है मैंने कहा ये वीडियो आपका, उन्होंने भी गुमराह करा, यहाँ वीडियो तो हमारा है लेकिन काफ़ी समय पुराना है ये वीडियो, तो मैंने कहा कि काफ़ी समय पुराना है तो भाई तो आप कंप्लेंट करो या मैं करता हूँ, तो उन्होंने कहा मैं आज तो बाहर हूँ, कल आऊँगा 20 तारीख में मेरठ। मैंने आके यहाँ मेडिकल एक्सेस में जो है कंप्लेंट करी, तहरीर थी इसके अंदर अपराधी के खिलाफ इसके, और मैंने जल्द से जल्द इसे गिरफ्तारी होनी चाहिए इसकी। आज सुबह हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया इसी बात को लेकर, डीएम साहब को ज्ञापन दिया, उसमें विषय ये रखा कि जो भी भोजन बनाने की जगह है आगे भविष्य में इनकी सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगने चाहिए, और जो लोग ये भोजन बनाते हैं इन सारे ही लोगों को, भोजन बनाने वालों का आइडेंटिफिकेशन, इनका आधार कार्ड वगैरह पता होना चाहिए कौन लोग हैं, और जैसे ये थूका गया कल को जहर नहीं मिला सकता इस तरीके से। आइए सुनते हैं थाने में पूछताछ के दौरान इस युवक ने क्या जानकारी दी। नहीं, मुझे काफी टाइम हो गया, करीबन 10-15 साल हो गए सर। थूक लगाते हुए जी। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।